बाबा बद्री विशाल के। तो ये है जी प्यारा सा वाटरफॉल, तो वो है जी अपना प्यारा सा कैंप। और सबसे पहले दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जैसे कि आपको पता होगा अभी हम लोग बद्रीनाथ में हैं, और कल आप बहुत लेट से रात में पहुंचे, कैंपिंग के लिए बहुत सारी दिक्कत झेलना पड़ा, बट कोई नहीं यार, यहाँ पे ना ग्राउंड खाली था, हम लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग कर लिया। और अभी चलते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का, बद्रीनाथ भगवान का। और अभी ना स्नान नहीं किया है, तो पहले यहाँ नज़दीक में कुंड है जहाँ पानी ना गर्म निकलता है, तो वहाँ चलते हैं स्नान करते हैं और फिर चलेंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। और आसपास का मौसम इतना खूबसूरत है, आप देख ही सकते हो। तो भाई अपना सामान सब पैक हो चुका है, अंदर में कैंप में रख दिया है। और अंकुश भाई, मनी भाई भी चले गए दर्शन करने के लिए, और अपना नहा धो के पूरा फ्रेश हो चुके हैं, चलते हैं दर्शन करने के लिए। चलो भाई। अरे यार, और आज ना बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मैंने जब गर्म कुंड में स्नान करने गया था, कितना भीड़ था वो आप आज भी देख लोगे। चलते हैं फिलहाल। हम लोगों ने कहाँ कैंप किया था रात में, देखो यार 8-9 बजे मैंने कैंप इसको फांग के अंदर गए, फिर पूरा ये मैदान खाली था, फिर वहाँ जाके कैंप किए। चलो भाई जल्दी आओ, ठीक है चलते हैं फिर। और वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो है भारत सेवा संघ, हम लोगों ने उसी के अंदर कैंपिंग किया था। और सुबह सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और मंदिर ना यहाँ से अभी 1/2 किलोमीटर है, तो वहाँ चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के जल्दी से। जी सामने है नीलकंठ पर्वत, बट अभी दिखाई नहीं पड़ रहा अच्छे से, थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है उसका शीर्ष भाग, बट ना बादल ना उनको पूरा कवर कर चुका है। और यहाँ पे ना जेसीबी की खुदाई चल रही है, मतलब रास्ता ख़राब है, तो जेसीबी उनको ना ठीक कर रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालु को आने जाने में ना दिक्कत ना हो। अभी यहाँ से मंदिर है कम से कम 500 मीटर, चलते हैं। लगे रहो भैया, लगे रहो। और भीड़ आप कभी से ही दिखाई पड़ता होगा, कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। और यहाँ से ना आप भगवान विष्णु की मूर्ति भी खरीद सकते हो, और यहाँ से प्रसाद सब भी ले जा सकते हो। ठीक है फिलहाल चलते हैं, ये रहा मंदिर का गेट। अभी जी प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के अंदर, और आप जो ये रिवर देख रहे हो ना, ये अलकनंदा नदी। और आपको मैं एक बता दूं, अगर आप स्नान करना चाहते हो तो आप अगर यहाँ स्नान करते हो तो आपको यहाँ पे पानी गर्म मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुंड है, तो आप यहाँ स्नान कर सकते हो। मतलब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आप स्नान कर लेना यहाँ पे अगर कभी आते हो यहाँ बाबा बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए। ठीक है फिलहाल चलते हैं। और इस उत्तराखंड के आशीर्वादियों का एंजॉय करते हैं, हवाएं बहुत तेज चल रही है यहाँ पे। चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, और कितना लंबा लाइन लगा है वो आप देख सकते हो। जितने केदारनाथ में श्रद्धालु उतने यहाँ पर भी आए हुए हैं। ठीक है चलते हैं, अभी लाइन लगते हैं। अपना लाइन देखो कितना लंबा है, यहाँ भी घुस सकते हैं, बट नहीं यार, भगवान देख रहा है, लाइन लग के जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, ये तो और लंबा लाइन है यार, ये तो पीछे बहुत लाइन ही लगा हुआ है, कितना लंबा लाइन है। बहुत लंबा लाइन है यार, देखते हैं कहाँ लाइन में लगते हैं। और अभी ना लाइन में लग चुके हैं, बट ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 घंटा के बाद ही बाबा बद्रीनाथ का दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि लाइन बहुत बड़ा है, आगे कम से कम यहाँ 400 मीटर आगे भीड़ लगा हुआ है। ठीक है लाइन में लगते हैं, देखते हैं कब तक भगवान का दर्शन करते हैं। अपना लाइन वहाँ पे बोल दिए, भैया मैं आ रहा हूँ 1 मिनट, किसी को कुछ कर, मतलब बाद में किसी को एडजस्ट मत करना वहाँ पे। और यार कितना अलकनंदा नदी कितना उफान मार रहा है, आप देख सकते हो। और वहाँ पे ना पूजा भी करा रहे हैं श्रद्धालु सब, इनको पूजा कराना, आप भी पूजा करा सकते हो यहाँ आके। ठीक है अभी लाइन में लगते हैं, नहीं तो मेरी लाइन टूट जाएगी यहाँ पे। तो अभी जी अपना ना
मतलब भगवान बद्रीनाथ का दर्शन कर लिए है। और मैं आपको किसी बताऊँ, यहाँ ना मंदिर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद रहती है, इससे भगवान को भोग लगता है। और अभी भी हम लोग दर्शन किए और मंदिर गेट बंद हो गया, जितने श्रद्धालु थे वो वहाँ के बैठ चुके हैं। और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, अगर हम कैमरा लेके मंदिर के अंदर जाते हैं तो कैमरा जब्त कर लिया जाएगा, इसलिए कैमरा लेके नहीं गए। और फिलहाल चलते भी नीचे, चप्पल अपना कहाँ खोले थे यार। और हम लोगों ने जब दर्शन करने गया था तो अपना सारा सामान ना कैंप में छोड़ दिए थे, तो पता नहीं सामान अभी कैंप में है या फिर कोई नहीं। ऐसा होता ना कि ये सब धार्मिक प्लेस पर जहाँ पे शिव भगवान का मतलब मंदिर सब हो, वहाँ पे ज़्यादा चोरी नहीं होता है, तो इसके लिए तो माइंड फ्री है कि सामान से अपना लैपटॉप कैमरा तो हाथ में ही है, मोबाइल सब अच्छे से होगा। ठीक है, जब चलते हैं। और ये है जो अलकनंदा नदी का व्यू, कितना प्यारा है यहाँ से, और कितने ज़्यादा लहर इसमें आप देख सकते हो। जय बद्री बाबा की। ठीक है चलते हैं। और बहुत सारे ना कमेंट कर रहे हैं यार, मतलब मैं वीडियो में शायद कुछ गलत बोल देता हूँ कि मतलब अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ या उनको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाता हूँ कि इनका डिस्टेंस क्या है, आपको कहाँ से गाड़ी मिलेगी। तो इसके लिए मुझे ना इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो मैं ना इसके लिए पर्सनली एक वीडियो बनाऊँगा या फिर संडे को लाइव आऊँगा, तो आप उनमें जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जानकारी चाहते हैं, आप वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, संडे को लाइव आएंगे, और लाइव आए या नहीं आए वो आप लोग बताना कमेंट में, किस भैया लाइव आओ भाई या नहीं, आप लोग कमेंट बता देना। ठीक है, अभी चलते हैं, देखते हैं अपना टेंट है सही सलामत या फिर कोई लेके भाग गया। ठीक है चलते हैं। कितना प्यारा व्यू है बद्रीनाथ टेम्पल का। और मैं एक चीज़ बताऊँ, इंस्टाग्राम पे ना एक भाई पूछ रहे थे क्या कि भाई खाना हुआ आपका, खाना खाए क्या कर रहे हो। भाई ये सब चीज़ मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, पहले से ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं कि भाई क्या डिस्टेंस है, वहाँ टेंट लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। और हाँ एक चीज़, हाँ और ये बद्रीनाथ टेम्पल के पास आप कैंपिंग कर सकते हो, यहाँ बहुत सारे जगह देख सकते हो आप, कितने सारे जगह आप कैंपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे ना सबसे अच्छा नेटवर्क काम करता है एयरटेल का, जियो का मैं भी यूज़ नहीं किया बट एयरटेल का इतना अच्छा काम करता है कि मेरी वीडियो ना 10 से 15 मिनट में अपलोड हो गई थी। वहाँ के कैंप भी करते, तो होटल भी यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारे होटल है आप देख सकते हो, वहाँ पर जितना भी आपको दिखाई पड़ा वो सब होटल ही है, आप होटल भी यहाँ ले सकते हो। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और यहाँ जी अपना सामान सब सही सलामत है। ठीक है चलते हैं, सामान सब पैक ही है, फिर चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। अरे यार खुल जा भाई, अरे यार डबल चेन लगा के रखते हैं यार, कितनी टाइट सिक्योरिटी आप देख सकते हो। ये अपना गरीब का खाना, गरीब खाना। ठीक है सामान सब बिखरा हुआ है, सामान सब पैक करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो भाई साहब क्या बताएं यार, टेंट में गए और तभी मतलब बहुत देर तक लाइन में खड़ा रह गए ना, टेंट में गए बस नींद आ गई तो सो गए, 2 घंटा सो गए यार, बहुत मतलब पछता रहे हैं सो के। और क्या करें यार, नींद बहुत ज़्यादा थक गए, ज़्यादा नींद आ गई। और सामने ना कुछ इस तरह का व्यू हो चुका है अभी, और अभी ना यहाँ पे एक वाटरफॉल है जो ना मतलब ग्लेशियर से पिघल के पानी गिरता है, तो वहाँ चलते देखने के लिए। बट ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है, और मैंने जो अंदर में पहना था उसमें मैंने उसको धो दिया है, तो मैं अभी क्या करूँ यार, ठंड ज़्यादा लग रही है। कोई बात नहीं, मेंटेन कर लेते हैं, चलते हैं आपको दिखाते हैं ग्लेशियर का पानी जो गिरता है, वाटरफॉल कितना सुंदर लगता है। और अभी ना आप ये भी सीन इन्जॉय कर सकते हो, कितना खूबसूरत सीन है ये। तो अभी जी पहुंच गए हैं वाटरफॉल के पास, और सामने कुछ इस तरह का नज़ारा है, आप देख सकते हो वहाँ वाटरफॉल हो रहा है, वो ग्लेशियर से पानी पिघल के गिर रहा है, और नीचे का नज़ारा कितना तूफान मार रहा है, पानी तूफान मारो या अफान ऐसा कोई वर्ड है यहाँ पे, वो आप पता नहीं, पानी ज़्यादा खोल भी नहीं रहा है यार वो पानी में, करेंट बहुत ज़्यादा है, हाँ ये वर्ड सही है, करेंट बहुत ज़्यादा है पानी में। इस साइड भी आप देख सकते हो कितने ज़्यादा करेंट है यार। और अभी चलना है वहाँ पे, हो रही है प्यारी सी वाटरफॉल, और ये बद्रीनाथ गांव, कितना बद्रीनाथ टेंपल वहाँ पे है, वहाँ पे टेंपल दिखाई पड़ रहा है आपको, पानी किस साइड है, और कितना खूबसूरत नज़ारा है। ठीक है चलते हैं जी। और यहाँ पे ना हवा इतनी मस्त आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता, वाह अच्छी आ रही है, बट ठंड ज़्यादा लग रही है, चलते हैं। ये पुल कितना बड़ा है, लोहे का पुल है ये, और सनलाइट ना इस साइड से आ रही है, तो इस साइड देखने में अच्छा लग रहा है।
अभी भी ना बादल बहुत ज़्यादा आ गए, इसलिए सन ना ढक ढक चुका है। और इस साइड जो कोई प्रकाश आ रही है वो देख सकते हो आप, वो देखो कितना वो स्नोफॉल हुआ है वो हिल पे। हाँ, क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का यार, मैं तो यहीं बस जाऊँ। चलते हैं और अपना वाटरफॉल, फास्ट फास्ट चलते हैं। और भैया नमस्ते, क्या हाल भैया? ठीक, चलते हैं जी। उत्तराखंड के हसीन वादियों का क्या ही तो बता। गोभी 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 होगी यहाँ, है ना? यहाँ पे गोभी होगा। आलू ओ आलू, आलू गोभी। अच्छा अंकल, रास्ता कहाँ है वहाँ जाने का? उस पार से हाँ। ओके, आप कैसे हो? ठीक हो अंकल? आप हैं ठीक है? हाँ हम ठीक है अंकल, आप ठीक हो? अरे हम तो चका चक है। जी जी जी, ऐसे रहना अंकल, मस्त। ला ला ला, ओ गौ माता आपको दंडवत प्रणाम। गाय हमारी माता है आंटी? हाँ, सबके माता है, सबके माता है। ओहो, ये पानी यहाँ आ रही है यार, कितनी खूबसूरत नजारा है यहाँ से। अभी जल्दी वहां जाएंगे, वाटरफॉल का मजे लेंगे। श्री बद्रीनाथ मंदिर इस साइड है, बामनी गांव इस साइड है, प्राथमिक विद्यालय इस साइड, हाँ इस साइड है, और उर्वशी मंदिर इस साइड है, लीला ढूंगी इस साइड है, खाक चौक आश्रम नीचे है। नीचे कहाँ है पता नहीं कहाँ है। चलते हैं। ओ अंकल मिले यहाँ पानी, यार कितना ज़्यादा करेंट है पानी में, धारा कितना तेज आप देख सकते हो। तो जी चलते चलते पहुंच गए हैं प्यारे से वाटरफॉल के पास। ओ भाई साहब, और ये ऊपर क्या है? हेलीकॉप्टर। हाँ चलते हैं यार, कितना ज़्यादा फॉग उड़ रहा है पानी का। ओ भाई साहब, मैं तो यार मुझे मन कर रहा मैं ना स्नान कर लूँ, बट ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरे पास ना गर्म कपड़ा भी नहीं है तो मैं स्नान नहीं कर सकता। बट मैंने सुबह किया था स्नान, सवेरे मैंने, वहाँ गौरी कुंड है, यहाँ पर आपको ठंड लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल पानी में स्नान कर ले गर्म पानी में तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो आप गौरी कुंड में स्नान कर सकते हो। वहाँ का पानी ना बहुत गर्म है, बहुत गर्म नहीं बहुत गर्म है, आपको तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको इन्जॉय करते हैं। कितना बड़ा वाटरफॉल मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा हूँ, ये मैं ज़्यादा घुमा ही नहीं हूँ तो मैं कैसे देखूँगा इतना बड़ा बड़ा वाटरफॉल। वाह, हर हर महादेव, शंभू शंकर। मैं भींग रहा हूँ भाई, अरे यार मैं भींग रहा हूँ। अरे भाई ये पानी आ रहा है इस पे, अरे यार कितना तेज हो गया पानी, ये देखो यार हवा कितना तेज हो गया यहाँ का। वाव अमेजिंग, वो रहा अपना बद्रीनाथ मंदिर वहाँ पे, और इतना दूरी पे वाटरफॉल, और सामने भी वहाँ पे सनलाइट आ चुका है, तो किस तरह का नज़ारा है वो आप देख लो। ठीक है, यहाँ कुछ देर बैठ के एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मुझे आपका भाई हो चुका है तैयार चलने के लिए ये वाटरफॉल में। ओ भीग रहा हूँ मैं यार, भीग रहा हूँ। अरे भागो यार, भागो भागो भागो। तो मैंने जी कर दी फिर एक गलती, मेरे पास जैकेट नहीं है और मैं भींग चुका हूँ यार, मैं उसके नज़दीक चला गया था और कितने सारे वो फॉग देख रहे हो आप पानी के, और मेरा बॉडी ना भींग चुका है। अरे यार मैंने कपड़ा भी आज अपना साफ कर डाला, धो डाला, मैं क्या पहनूँ यार, कोई नहीं जी। तो यहाँ भाई लोग आ चुके हैं वहाँ से वाटरफॉल देख के, और यार आज ना कैंपिंग यही रखते हैं जहाँ अपने नेक्स्ट। यार डांस करो, मेरा पब्लिक देख रही है। अंकुश डांस नहीं दे सकते, तो अंकुश भाई डांस भी करते हैं ये जान लो, कहीं मिले तो बोलना भाई डांस करके दिखाओ। अरे यार धुआं लग रहा है भाई। और हम लोगों ने यहाँ पे आज भी यही कैंपिंग करेंगे, और अपने लोगों ने यहाँ पे फायर बर्न किया अपने से, और जला के उत्तराखंड के वादियों मजे से यार आग ताप रहे हैं। ठीक है, तो आज का ब्लॉग ना इतना ही रखते हैं, और
अब भंडारा चल रहा है बगल में, तो थोड़ी देर में जाकर वहाँ खाना भी खा लेंगे और सोने का जगह भी आज फ्री हो गया। और अपना जो गैजेट है, क्या नहीं यार, और अपना जो गैजेट है वो नजदीक में भैया है उनके पास चार्ज कर देंगे। तो इतना ही यार, और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। कल निकलना है यहाँ से ना, जो इंडिया का लास्ट विलेज है माना, उनको कल शूट करना है, ठीक है, मतलब कवर करना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।